सहारनपुर जिले की तहसील कादीपुर के विकास खंड अखनगर के अंतर्गत दैनिक जागरण के तत्वाधान में दिनांक 3 जुलाई को जूनियर हाई स्कूल अखनगर परिसर में पौधों की बारात निकाली गई। इस बारात में शामिल बारातियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीवीएन त्रिपाठी ने पौधा भेंट कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीवी इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। जालौन के जानी मानी हस्ती जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने 20 छात्राओं को गोद लिया। आपको बता दें कि जनपद जालौन के क्षेत्र कोच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 20 छात्राओं को गोद लिया। वहीं जनपद के जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने जहां पर इसके मद्देनजर रखते हुए जालौन क्षेत्र के कोच से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 20 छात्राओं को डीएम मन्नान अख्तर ने गोद लिया। मन्नान अख्तर ने कहा कि बेटी पढ़ाएं और बेटी बचाओ। मन्नान अख्तर ने कहा कि बेटी पढ़ाएं और बेटी बचाएं। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। साथ ही साथ मन्नान अख्तर ने कहा कि लोगों को बेटियों को बचाना है और पढ़ाना भी है, आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि बेसिक एजुकेशन फाउंडेशन की तरह गोद ली गई बालिकाओं को जो भी सुविधाएं मुहैया प्रदान की जाएंगी, इसके साथ साथ शिक्षा के लिए हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, हम लोग पिछले साल भी हमने 21 बच्चियों को गोद लिया था जो कस्तूरबा में क्लास 8 तक पढ़ाई करती हैं। उनके बाद हम लोग चाहते हैं कि वो एटलीस्ट क्लास 10 तक की डिग्री उनके पास रहे ताकि वो जब भी बाहर जाएं तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने पिछले साल भी 20 बच्चियों को लिया था जो अब क्लास 10 में आ गई हैं, और इस साल भी हमने 20 बच्चियों को जो कस्तूरबा पढ़ रही थी उनको लिया है जो अब क्लास 9 की पढ़ाई जो है यहाँ करेंगे। इसको हम लोग जो भी हमारा ट्रस्ट है बेसिक एजुकेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम इनका स्पॉन्सरशिप करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है, सिटीज़न है, वो इन बच्चियों को अडॉप्ट करें ताकि इनका जो 2 साल का खर्चा है वो उससे हो जाए। बाकी सुविधाएँ जो हैं हम लोग गवर्नमेंट के अन्य माध्यम से और कस्तूरबा गांधी की जो सुविधाएं उनको मर्ज करके हम लोग करवाते हैं। सर, वो बच्चियाँ जो 20 बच्चियाँ हैं वो कहाँ से मतलब पहुँचने लगते हैं? नहीं, वो अलग अलग हमारे जितने कस्तूरबा गांधी हैं वहाँ क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे जो बच्चियाँ या तो पढ़ने में ब्रिलियंट हैं या जो हमें पता है कि वो क्लास 8 के बाद अगर घर जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी बच्चियों को हमने 8 कस्तूरबा से चुना। सर, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो सिंपल है कि देखिए, बेटी को सिर्फ बचाना ही नहीं, बेटी को पढ़ाना भी है और बेटी को आत्मनिर्भर भी बनाना है ताकि भविष्य में जो है कोई भी जो है उनके रास्ते में जो है बाधा ना बन सके और वो अपना जीवन जो है अपने। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं योगी सरकार उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए जिला अस्पताल के स्टाफ हों तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बीएम नागर कितने नकारा है। जी हां, आपको सुनकर अटपटा जरूर लगा होगा, मगर यह जिला अस्पताल की सच्चाई है। आज उस समय जिला अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया जब निशा की मम्मी का ऑपरेशन हुआ और वह तीसरी मंजिल पर एडमिट थी। निशा का कहना था कि मेहता नाम की स्टाफ नर्स है, उसको 3 दिन से परेशान कर रहा है, मेरे साथ कमरे में चल। आज उसने उसका विरोध किया तो मामला मीडिया के सामने आया, तो मीडिया कर्मी भी खबर को कवरेज करने गए थे। जिला अस्पताल के स्टाफ इतना दबंग है कि वे मीडिया कर्मियों का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए हमसे डॉक्टर बीएम नागर सीएमएस ने कहा। निशा का कहना है कि स्टाफ नर्स मैं था जिसका नाम बताया जा रहा है, वह कल स्टाफ नर्स के पद पर जिला अस्पताल में तैनात है। निशा का आरोप है कि वे 3 दिन से उसे कह रहा कि कमरे में चल। मामले में मेहता साफ इनकार कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वही देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है या फिर मामले को रफा दफा कर देगी। इस मामले में मीडिया कर्मियों ने जब डॉक्टर बीएम नागर सीएमएस से बात करने की कोशिश की तो वह कैमरे से बचते हुए नजर आए। आपके यहाँ पर कौन भर्ती है? मेरी मम्मी यहाँ पर भर्ती है। कब से? 9 दिन हो गए आज। अच्छा, तो आज कोई दिक्कत पड़ी आपको? आज दिक्कत नहीं पड़ी, दिक्कत ये परसों से मुझे बदतमीज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे थे, मैं तो परसों मेरे पीछे पड़े थे। कौन? ये जो अभी यहाँ पर कंपोर्टर थे उनका नाम मुझे नहीं मालूम क्या है। अच्छा, क्या बोले? मुझसे बदतमीजी करे चले जा रहे थे, मैं किसी भी चीज़ को कहना आ रहा हूँ तो आसस के बात करना और पीछे पीछे जाना मेरे, मैं नजरअंदाज करती रही, मैं कुछ नहीं बोली। परसों कल रात में उधर खाना खाने बहन करने जा रही थी अपनी बैठने के लिए तो मेरे पीछे खोदे, मेरी फोन नहीं मारी, मैंने क्या बात है सर, तो बोला ये प्राइवेट रूम में चले, मैंने क्या कहा? आज क्या हुआ फिर? आज तो बदतमीज मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, मोबाइल उठा ले चार्जिंग में, फिर मुझसे बदतमीजी बोले और बोले कि तेरा बाप भी तेरी माँ भी आ जाएगी, तेरे साथ तो भी आ जाएगा जब भी मैं बहुत ज़्यादा लगाने नहीं आऊँगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि रात मैंने बदतमीजी जो करी थी, मुझसे बदतमीजी करने कह रहे थे, मैं जो गई नहीं इनके पास, मैं आ गई, मैंने अपने आप को बचाया, फिर को बचाया, तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है कि तू आ पाएगी? तो आपके साथ असली हरकत करी थी? नहीं, हरकत नहीं करी, मुझे बुलाया था थाना करने, तो मैं चली जाती, मैं तो गंदी हरकत नहीं करती ये बताइए। और मुझसे कहना है मेरे पापा गंदा निकालोगे, मेरे पापा हैं, तो मुझसे कहना तेरा बाप भी आ जाएगा तो भी मैं यहाँ पर बोतल लगाने भी नहीं आऊँगा। पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहा है, सबसे पैसे ले रहा है पूरे वार्ड से, कोई बेतल लगाना है तो पहले 50 रुपये दो, 100 रुपये दो तो चाय पानी करेंगे तो बोतल लगाएंगे। आपसे
वी1 इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना के साथ शिवम कुमार की रिपोर्ट, टांडा रामपुर। और पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है और गौ तस्करों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग में एक बदमाश और पुलिसकर्मी को गोली लगी। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश का एक साथी फरार हो गया, जिसकी काबिंग जारी है। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को उपचार के लिए हर सेंटर रेफर किया गया है। शाम को व्हीकल चेकिंग अभियान चल रहा था, इसी दौरान सूचना मिली कि एक अपराधी इधर हसनपुर गालुआ रोड की तरफ जा रहा है, तो इसकी घेराबंदी की गई, जिसमें इसको रुकने का इशारा किया गया, तो इसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। इसी दौरान पुलिस ने फायर किया तो ये अपराधी भी घायल हुआ है। अभी जब पूछताछ किया गया तो पता चला इसका नाम नसीम है, जो सीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के कई सारे मुकदमे हैं इसके। अन्य जनपदों से भी पता किया जा रहा है कि इसके ऊपर कितने सारे मुकदमे हैं। अभी नखासा थाना क्षेत्र से वांछित अपराधी था ये, और इसको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, साथ में अपने कांस्टेबल को भी भेजा गया है, सभी लोग हॉस्पिटल में। सर, पशु तस्करी में भी वांछित चल रहा था? हाँ, सीएस एक्ट के और आर्म्स एक्ट के कई सारे मुकदमे हैं। इनाम भी था? इनाम नहीं था, फरार साथी फरार सर इसके, इसका एक साथी फरार है और अभी उसी की कॉम्बिंग चल रही है। इस क्षेत्र में हसनपुर रोड पे जो गहलुआ गांव है, इसी के पूरे जो जंगल एरिया, यहां पे कॉम्बिंग चल रही है और हमारी तीन थानों की फोर्स यहां पे लगी हुई है, और यहां पे सीओ और एडिशनल एसपी भी हैं, साथ में फोर्स मौजूद है, सभी लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। और ये अपराधी, इसके अभी एक वहकिल इसे रिकवर हुई है जो लूट की ही प्रतीत हो रही है, क्योंकि उसमें नंबर प्लेट नहीं है। एक वेपन मिला है इसके, तीन चार कॉटेज मिले हैं, तो उन सभी को लेकर के फोरेंसिक जांच कराई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने फिरोजाबाद में रियलिटी टेस्ट किया, जहां पर एसएसपी फेल नजर आए तो वहीं डीएम पास नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को नहीं मानते हैं जनपद फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन पटेल। जी हां, सुबह 10 बजे तक वो अपने ऑफिस नहीं पहुंचते और फरियादी लौटते रहते हैं। लगातार खबरें चलने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर एसएसपी फिरोजाबाद पर अभी भी वह समय से नहीं आते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सूबे के मुखिया ने प्रदेश के सभी डीएम व एसएसपी को 9 बजे 11 बजे तक अपने दफ्तर में बैठकर जनता की समस्याएं सुनने का आदेश किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए एसएसपी फिरोजाबाद नजर आए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवाकर सरकारी शिक्षक की नौकरी करने वाले 22 शिक्षकों पर शासन के आदेश पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए सभी को बर्खास्त किया है। 163 शिक्षकों की जांच भी चल रही है। दरअसल मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, जहां पर 163 शिक्षक पाए गए जिनकी मार्कशीट को संदेह था। सीधे शब्दों पे कहें तो फर्जी मार्कशीट के आधार पर उन्हें नौकरी प्राप्त कर ली थी, लेकिन शासन ने एक एसआईटी टीम गठित की, जहां पर 133 अध्यापकों को चिन्हित कर उन पर जांच की गई। विभाग के द्वारा 2 बार नोटिस भेजने पर भी जवाब नहीं देने वालों पर शासन ने बीएसओ को तुरंत से सख्त कदम उठाने के आदेश दिए थे। इसी के चलते 22 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। के मामले में कुछ बर्खास्तगी हुई है, क्या था पूरा मामला और कितने बर्खास्तगियां हुई हैं? एसआईटी द्वारा जांच करके आगरा विश्वविद्यालय से 2004-05 में जो लोग बीएड किए थे उनकी सीडी हमें प्राप्त हुई थी शासन से। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके क्रम में हमारे जिले में लगभग 163 लोग चिन्हित किए गए हैं। उस सीडी में जो 163 लोगों का नाम है, एसआईटी द्वारा जो सीडी दी गई है, जिसमें से 22 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। ये 22 लोग ऐसे थे जिनको हमने नोटिस दिया था, लेकिन उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था, फर्स्ट नोटिस सेकंड नोटिस। तो हमने इन लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई की, बाकी लोगों ने जवाब दिया है, उनका परीक्षण। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। के कस्बा सर्राफा मंडी लालगंज के भैरवनाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कस्बा लालगंज में भ्रमण करते हुए निकाली गई। आपको बता दें कि रायबरेली के तहसील लालगंज के टाउन एरिया के भैरवनाथ मंदिर सर्राफा मंडी से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय लोगों और कस्बा लालगंज के भक्तजनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ गाना बजाना के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली की नगर पालिका की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ ट्रस्ट की जमीन पर बनी दुकानों को गिराने पहुंच गई, जिसके बाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच झड़प हो गई। मामला शहर कोतवाली के क्षेत्र घंटाघर चौराहे का है, जहां पर राम जानकी ट्रस्ट की जमीन पर कई दुकानें बनी हैं। दुकानों पर मुकदमा ट्रस्ट से चल रहा है।
लेकिन कोर्ट का आदेश हुआ तो 15 जुलाई तक दुकानें खाली करने के लिए, लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन ट्रस्ट के लोगों के साथ मिलकर पहले ही दुकान को गिरा देना चाहती है, जिसको लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच तनातनी हो गई। व्यापारियों के पास न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायबरेली में सुलानामा था। इससे साफ पता चलता है कि निगरानीकर्ता यानी कि दुकानदारों को 15 जुलाई तक दुकान खाली करने का समय मिला था, लेकिन आज जिस तरह से व्यापारियों की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है उससे व्यापारियों का क्रोध का सामना करना पड़ा। इन भाजपा नेताओं ने भी इस सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका कहना था कि जब समय तय था कि मात्र 10 से 12 दिन ही बचे थे तो इतनी जल्दी क्यों थी। वहीं पीड़ितों ने शहर कोतवाली पुलिस के सामने आद न करने की धमकी भी दे डाली। क्या मामला, क्या विवाद है? गांधी आश्रम का वो और इसका केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज का। डिस्ट्रिक्ट जज का 27 अगस्त को डेट लगी थी रिवीजन का, उसके पहले ये लोग कैसे गिरा दिए। सवारा का पुरुषोत्तम कहता है कि कोतवाली नगर पालिका हमारे जेल में। कौन कहता है ये? पुरुषोत्तम गुप्ता सरवरा का। ये कौन है? कथित सरवरा का कहता है कि पुलिस प्रशासन नगर पालिका हमारे जेल में है, मैं चाहूँ तो ऐसे की गिरा दो कि हमारा 60-70 साल का दुकान। अच्छा, ये अब तो गिरा दिया गया है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? ये किसके आदेश से गिराया गया? मैं आपका मेरा नाम निखिल चंदानी है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। जो कि ये हमारी दुकानें गिराई जानी, कुछ अन्य लोगों की भी हैं, कुछ हमारे समाज की भी बात है। ये जमीन ट्रस्ट की थी, 100 साल की थी, और ये प्रशासन यहाँ पैसा खाया हुआ है। प्रशासन की गुंडागर्दियाँ नहीं चलने देंगे। हाई कोर्ट का आज ऑर्डर है जो हम इसके लाए हैं। इसको प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। इसको कह रहा प्रशासन ये इसलिए नहीं है। अब ये बताइए, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपकी सब कुछ है, भाजपा की कह सकते हैं सब कुछ है, उसके बाद ही आप धरना दे रहे हैं, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ये मतलब आपकी सरकार कोई बात सुनती नहीं है। सरकार हमारा पूरा समर्थन करेगी। सरकार आज यहाँ बुलडोजर चलना चालू हुआ है, अचानक बिना किसी को नोटिस आए हुए बुलडोजर चलना चालू हुआ है। अभी जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया तो ये बुलडोजर यहाँ से गया। सरकार हमारी पूर्णतः मदद करेगी। आज ये हुआ है, कल भी हम सरकार के पास लेके जाएंगे, पर यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, प्रशासन की मनमानी नहीं चलने देंगे। ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कहाँ से होगी? इसकी भरपाई जिसने तुड़वाई है, जिसने पैसा खिलाया है, जिसने खुलवाया है, जिसका भी नाम आ रहा है, जो भी प्रशासन को पैसा खिलाया है वो कराएगा, ट्रस्टी कर रहे हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाजपा इसका विरोध कर रही है। बिल्कुल कर रही है। आज शुरू हुआ मामला, कल से रोज करेगी विरोध। जब तक ये काम नहीं रुकेगा, यहाँ बुलडोजर चलने नहीं देंगे। भाजपा पूरी तरह से विरोध करेगी, सरकार हमारा पूरा समर्थन करेगी। ये हमारे जिनकी दुकान है, ये पीड़ित परिवार है यहाँ पे आत्महत्या। ये गांधी आश्रम का करोड़ों का नुकसान क्षति हुई है। घर की लेडीज है, इसकी भरपाई आना पड़ी है। आप बता करने जा रही थी इनके घर की लेडीज आप बता करने जा रही थी, ये बेचारे मजलूम आदमी कहाँ जाएगा? आप पैसे वाले लोग यहाँ गुंडा करके या मार्केट में लाए पैसे पहले की पहले पहले बोला गया कि आप लोगों को यहाँ मार्केट बनवा के एक दुकान दी जाएगी जो आपके हक की है। ठीक है, माना गया, उसकी बात को रखी गई कि ठीक है, नवीनीकरण सुंदरीकरण होगा, मार्केट अच्छा लगेगा। पर उसके बाद प्रशासन को पैसा खिलाने के बाद जब प्रशासन को अपनी जेब में कर लिया तो ये सीधे बुलडोजर चलवाने पे आ गए। तो ये सीधे बुलडोजर चलवाने, ये सही नहीं है ना, इसके बारे में हम सहेंगे। और पुलिस प्रशासन रमेश कुमार सिंह बता दिए, क्या मामला है, क्या विवाद है ये? अरे भैया, गांधी आश्रम की ये सैकड़ों साल पुरानी दुकान है, जब से ये ट्रस्ट है, क्यों तब से ये गांधी आश्रम को अलॉटेड है। अब ये विवादित था, मुकदमा चल रहा है दीवानी में, चल रहा है। अब दीवानी में मुकदमा चलने के दरमियान किस तरह, अब हमारा जो है करोड़ों का माल इसमें है, मतलब 3-4 वर्कर हमारे बैठे थे, जबरन आकर के किसके आदेश से गिरवा दिया गया भाई? डीएम एसपी कलेक्टर, क्या मौका दोगे ना? अभी इसके जो सब रिसीव कराया है, उन्नीस को एक जो भी रिसीव कराया, गिरवाने की जर्जर है, गिरवा दिया जाए, क्या किया जाए? उसके अगेंस्ट जो है जिला अधिकारी के यहाँ रिट दायर किया गया, जिला अधिकारी ये 27 अगस्त की डेट देते हैं, जब डेट दे दिए
तो डेट के पहले ये स्थिति ये हालात करने का राइट कहाँ से होता है। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं कहीं नई सड़कों का निर्माण करा रही है तो कहीं सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा भी किया था, लेकिन वो सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जिला पीलीभीत में सामने आया, जहां पर श्रीनगर से जरा कोठी आसाम रोड तक रास्ता जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। यहां पर सड़क के निर्माण की बात तो अलग, सड़क को गड्ढा मुक्त तक नहीं कराया जा रहा। यहां पर लगातार छोटे से बड़े 2-3 हजार वाहनों का आवागमन प्रतिदिन होता है और कई गाँव कई शहरों तक मुख्य सड़क है, लेकिन आज तक किसी भी सांसद और विधायक मंत्री का इस सड़क पर ध्यान नहीं किया गया, जब तक सड़क पर कई राजनेताओं का आवागमन भी होता रहता है। जब टीवी1 इंडिया न्यूज की टीम ने इसका मुआयना किया तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहगीरों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए भागीरथ की रिपोर्ट, पीलीभीत। जालौन में सूबे की योगी सरकार में खुलेआम तहसील लेखपाल गरीब जनता से रिश्वत लेते नजर आए। यहां पर जनपद जालौन के कोचेत के ग्राम कुंवरपुरा में लेखपाल खुलेआम अपनी कुर्सी की खनक पर ग्रामीणों से रिश्वत लेते नजर आए। सूबे की सरकार में तहसील लेखपाल आखिरकार किस तरह से गरीब जनता से रिश्वत लेते हैं, इनका वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ईमानदारी का चोला पहनने वाले वीर सिंह लेखपाल अपनी रंगदारी के चलते भारत सरकार की महत्वाकांक्षी किसानों के सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान गरीब किसानों से रिश्वत लेते हुए नजर आए। यहां पर 1000 से लेकर 5000 रुपए की रिश्वत की मांग करते हैं। आठ है तुम ऐसे करो जी, डाल लो हमसे दस्तखत पूरे करवा, तुम भी बनवा दो। 300 जो पहले हमें जो पहले नोटिंग कर लेने दो, हमें एक पंच में लेकूं बजे पंच नहीं मिले तो आलपन में लेने। रुक जाओ, कौन के नाम से पहले जो टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन, उत्तर प्रदेश।